क्योंकि घास ट्रैक्टर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक्टर को निकालना है क्योंकि हार्वेस्टिंग होनी है और दरवाज़ों में घास फंस गई है, घास निकल नहीं रही है तो निकाल सकें। तो रास्ता खोल दिया हमने। Should I do it? Oho, też to nie zaraz. Nie, bo... Kołka czy coś się... No jeszcze trochę, nie. Chyba że to podniesiesz. A, nie. Kondemy dalej. Dobra. Naprzód trzeba. Jeszcze opuścić trzeba. A, jest ja tu może. Ale można nie. Tam to zabrać i podnieść. Dasz radę do góry. Tak. O. O, widzisz. No i jeszcze. Ale próbuj pala wkładać. No. Wejdzie. लगा दिया हम लोगों ने मेहनत करके। अब चचा लेके जा रहे हैं, चचा अपना ट्रैक्टर लेके हार्वेस्ट के लिए। भैया गांव वाला कहीं का भी हो, गांव वाले होते मेहनती हैं, मजबूत होते हैं। हम शहर वाले बिल्कुल, हमारी तो हवा निकल जाए, 2-4 दिन भी गांव में काम करना पड़े। मैं मदद कराने की कोशिश कर रहा हूँ जितनी कर सकता हूँ। अच्छा, और ग्रेन विल बी हेयर। हाँ ओके, सारा गेहूं जो है इसमें वो रखा जाएगा। हार्वेस्ट की मशीन आएगी, ट्रैक्टर तैयार हो गया है, अब मशीन आएगी हार्वेस्ट की और वो काटेगी। इसमें गेहूं भर के गोडाउन में आएगा। ये अब तक समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा, अब समझ में आ गया क्या हो रहा है। पूछा मैंने कि करना क्या चाह रहे हो, ट्रैक्टर से इधर से उधर। Like this? You don't like it? This is agriculture. Humanity survived on agriculture. मेरा लाइव लगा दिया मैंने, जो हो रहा है सामने दिख रहा है। भूसा पूरी खुजली मचा दी भूसे ने, कोई बात नहीं। Like this? Jam totally. This blade. Yes. हाँ, तो ब्लेड जिसमें लगेगा इसको रिमूव करना है। लीव इट। यू कैन हर्ट योर बैक। मैंने बिल्कुल फैशन स्टाइल में और काम कर रहे हैं हम गांव वाले। यही तो है लाइफ, यही तो लाइफ है कि कभी भी कुछ भी आप करने को तैयार हो जाएं। मजबूत होना चाहिए इंसान को, रेडी होना चाहिए। हम शहर के हैं लेकिन मजबूत हमारे अंदर गांव वालों से कम नहीं है, बहुत मजबूत हैं हम। वेट लीव इट ऑन माय हैंड्स। आई डोंट नो। ओके, अब मैं आपको ड्रोन से दिखाता हूँ ये मशीन, क्योंकि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं आपको मशीन को देखने में। कि जो आपने ड्रोन शॉट देखे, ड्रोन मज़ा आया शॉट देख के? मज़ा आया नहीं आया? आया होगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सिनेमैटिक शॉट ड्रोन के आपने देखे हैं अभी। तो अब गेहूँ यहाँ आएगा, पहले से तैयारी कर दी गई है। गेहूँ को यहाँ पे पूरा जो प्लास्टिक का है नीले रंग का वो बिछा दिया गया है। तो तरीका वही है, दुनिया को कोई भी कौन हो, हार्वेस्टिंग का जो कटाई, हार्वेस्टिंग या कटाई का जो तरीका सेम ही है वही है। मैं आपको बता सकता हूँ कि सेम, ऑलमोस्ट सेम है, प्रोसेस इज सेम। लोग अलग हैं, मुल्क अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन क्रॉप और एग्रीकल्चर का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 है, कहीं पे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, कहीं पे थोड़ा सा और रॉ है, कहीं पे बिल्कुल ही रॉ है। तो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गेहूँ आ गया हार्वेस्ट करके, और हमारे जो एबा के भाई हैं वो गेहूं को उतार रहे हैं। ज़्यादा मैं कैमरा शाही हैं इसलिए मैं उनके पास देखे कि नहीं या ना इंटरव्यू देने को तैयार हूँ। एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी। और ये दोबारा जाएंगे उस मशीन से और फिर दोबारा आएंगे। If I have land, this land, I'm gonna make a beautiful resort like a country resort. Yes. जितना आसान ये लगता है एग्रीकल्चर काम, उतना आसान है नहीं। हम शहर वालों के लिए तो खासकर नहीं है, इनके लिए तो नॉर्मल है गांव वालों के लिए, चाहे वो हमारे गांव वाले हों चाहे ये गांव वाले हों। लेकिन ट्राई जरूर करिए आप लोग, जिससे आपको रियलिटी का चेक होगा। अगर आप नहीं भी एग्रीकल्चर में, एक बार जाइए गांव में और मेहनत करिए। मैं कैमरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कैमरा लगा रखा है, वरना मैंने सिर्फ 20 या 30% रिकॉर्ड करा, बाकी मैं बहुत कुछ यहाँ कर रहा हूँ बिकॉज आई लव इट। मुझे करने मज़ा आ रहा है। एक्सपीरियंस, न्यू एक्सपीरियंस, बिल्कुल नया तो नहीं है, लेकिन हमारे भी गाँव है। लेकिन ये सब चीज़ मैंने यूरोप में तो मेरे लिए नहीं है। भैया इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो, और आना ज़रूरी चाहिए भाई, बहुत मेहनत लगी इस व्लॉग में, और आप देख सकते हैं बहुत मेहनत से बनाया गया है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ, आप मुझे मोटिवेट कर सकें। और आप मुझे कैसे मोटिवेट करेंगे? बाय सपोर्टिंग मी, इन द सेंस कि आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे पता लगेगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो आई विल डू द सेम, मैं यही कोशिश रहेगी कि मैं जितनी दुनिया भर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ला सकूं, ला के इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपको मदद मिले, हेल्प मिले टू डिसाइड, टू क्रिएट एंड डू समथिंग न्यू एंड बिग इन लाइफ। कायम कर सकते हैं अपने आप को और बड़ा कर सकते हैं, और ऑलरेडी बढ़ें तो और बढ़ सकते हैं आप, या शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत कुछ है करने को। सिर्फ आपको देखना है, यू हैव टू सी इट। सिर्फ आपकी निगाह होना चाहिए टू फाइंड द राइट प्लेस एट राइट टाइम एंड राइट थिंग, बस।